हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको कॉपीराइट हटाना बताएंगे। सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे जाएंगे और www.youtube.com को सर्च करेंगे। हमारा गूगल क्रोम पे www.youtube ओपन हो जाएगा। अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद में हमारा यूट्यूब कुछ इस तरीके से क्रोम पे खुल के आएगा। फिर लोगो बटन पे क्लिक करेंगे। लोगो बटन पे क्लिक करने के बाद हम क्रिएटर स्टूडियो में जाएंगे। क्रिएटर स्टूडियो हमारा क्रोम पे ही खुल जाएगा। और क्रोम पे खुलने के बाद में हमारा यूट्यूब कुछ इस तरीके से ओपन हो के आएगा। और देखिए, हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया है। तो सबसे पहले हम कंटेंट पे क्लिक करेंगे। कंटेंट पे क्लिक करने के बाद में हमारा जो भी वीडियोस जितने भी पड़े हुए हैं वो सारे आ जाएंगे। अब हम फिल्टर पे क्लिक करेंगे, जिससे जो भी हमारे कॉपीराइट क्लेम्ड लगे हुए हैं वो हमको पता चल जाएंगे किन किन वीडियोस पे कॉपीराइट क्लेम लगा हुआ है। कॉपीराइट क्लेम हटाने के लिए हमको इस पे क्लिक करना होगा। और ये देखिए, ये सारे मेरे वीडियोस जो भी कॉपीराइट क्लेम बन के आए हुए हैं ओपन हो गए। इसमें से हम एक वीडियो को लेंगे और इस पे क्लिक करेंगे, इसका कॉपीराइट क्लेम हटाएंगे। तो ये देखिए, मैंने वीडियो पे क्लिक किया है और ये वीडियो ओपन हो रहा है। तो इसमें ये जो साइड में कॉपीराइट क्लेम लिख के आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे और सी डिटेल्स में जाकर के इस पे क्लिक करेंगे। ये देखिए, मेरा कॉपीराइट क्लेम का पूरा प्रोसेस ओपन हो गया है। और इसमें सेलेक्ट एक्शन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले सेलेक्ट एक्शन पे क्लिक करेंगे तो इसमें जो भी ऑप्शंस खुल के आएंगे वो देखिए। ये देखिए, सबसे पहले हम रिप्लेस सॉन्ग को करेंगे, क्योंकि हम अपना सॉन्ग चेंज करेंगे तभी दूसरा सॉन्ग हम हटा पाएंगे। तो सबसे पहले हम कोई भी इनमें से म्यूज़िक को ओपन करेंगे और फिर उसमें ऐड करेंगे। कोई भी म्यूज़िक जो भी आपको पसंद आए वो आप ले सकते हैं। इसमें यूट्यूब की तरफ से ये फ्री है, तो इसमें मैंने ये क्लिक की है। और इसमें मैं ऐड के लिए ऐड पे क्लिक करूँगी तो ये मेरी म्यूज़िक ओपन हो जाएगी। ये देखिए, ये लग के आ गई है नीचे ब्लू कलर की। और ये सॉन्ग में अभी प्रोसेस हो रहा है, सॉन्ग में ये हमारी म्यूज़िक ऐड हो जाएगी। ये देखिए, हमारी म्यूज़िक ऐड हो गई है। और हम इसको यहाँ से रिमूव और ऐड दोनों कर सकते हैं। तो मैंने ये म्यूज़िक ले ली है और ये इस पर क्लिक कर दिया है। ये इस पर चल रही है म्यूज़िक। तो ये हमारी म्यूज़िक हमने ले ली थी और इसको हम सेव के ऑप्शन से सेव करेंगे और फिर यहाँ पे भी सेव करेंगे। इसमें यहाँ पे सेव करने के बाद में हमारी म्यूज़िक तो सेलेक्ट हो जाएगी। अब दूसरी टाइम में जाएंगे फिर से सेलेक्ट ऑप्शन पे, और सेलेक्ट एक्शन के ऑप्शन पे जाने के बाद में जो प्रोसेस आएगा वो अब आएगा हमारा म्यूज़िक जो हमारी लगी थी पहले उसको म्यूट करने का। तो म्यूट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू के बाद म्यूट कर देंगे। ये हमारा हो गया है प्रोसेस। और इसके बाद हमारा कॉपीराइट क्लेम हट जाएगा। हम यहाँ से बैक जाएंगे, कट के निशान से कट कर देंगे। और ये देखिए, हमारा नॉन लिख के आ गया है। तो हमारा कॉपीराइट क्लेम हट चुका है। इस वीडियो होप ये आपके लिए हेल्पफुल है।